आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। इससे पिछले जो हमारे पास इससे पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है वो करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर वो भी नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए बताता है, हमें दे देता है, हमें कहता है कि आपके पास 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। वी हैव 60 ग्राम ऑफ HNO3। हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ HNO3। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, मैं आपको बार बार ये समझाता आ रहा हूँ कि इनको हमने लिखना है कि हमारे पास गिवन क्या चीज है। मास ऑफ HNO3 को आप गिवन मास लिखेंगे, ऑफ HNO3 दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास HNO3 है, इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास ऑफ HNO3, वो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 14 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड में 3 है, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा हमारे पास। 48 14 और 1 दैट इज इक्वल टू 63 ग्राम्स पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास मोलर मास है। हमारे पास अब गिवन मास भी है, मोलर मास भी है, इससे अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास हमारे पास 60 है, मोलर मास 63 जो कि हमने मालूम किया नाइट्रिक एसिड का। 60 ओवर 63 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.952 मोल। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.02 टू द पावर 23। तो हमारे पास आंसर आएगा जब हम 0.952 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। तो हमारे पास आ गया 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ एटम्स इन नाइट्रिक एसिड। हम सबसे पहले तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला देखेंगे, HNO3। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे, 1, नाइट्रोजन कितने हैं 1, 1 प्लस 1 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट आर इक्वल टू 5। 1 मोल नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल जो एटम्स हैं वो 5 हैं। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं इनको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो के 60 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड में होंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन HNO3, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं HNO3 में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। टोटल एटम्स नाइट्रिक एसिड के एक मोल में कितने हैं, 5 हैं। तो 5.573 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा 28.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। अब आपने 28.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो पॉइंट आप एक डिजिट लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे, 10 टू द पावर में 1 का इजाफा करेंगे तो आपके पास आएगा 2.866 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 था तो यहां पे हो जाएगा 10 टू द पावर 24 एटम्स। तो ये हमारा आंसर है कि 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 2.66866 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 एटम्स। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था। नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर जो 8 है वो हमारे पिछले 5 न्यूमेरिकल नंबर 5 से रिलेटेड है कि उसमें हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट किए थे, इसमें भी हमें नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास है 30 ग्राम ऑफ NaCl, 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमें दे देता है और हमें कहता है कि इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं ये कितने होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है 30 ग्राम, गिवन मास ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaCl ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ वी नो द नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, इसके लिए सोडियम और क्लोरीन का लहदा लहदा एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 35.5। 23 प्लस 35.5 ये जाएगा हमारे पास 58.5 ग्राम्स पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, तो दोनों चीजें हैं हमारे पास, मास 30 है मोलर मास 58.5 है।
मोलर नंबर मोल्स आ जाएंगे हमारे पास किस चीज के 30 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर और मोल्स जो है 0.52 मोल्स में हमारे पास मौजूद है। नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डेट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स आर मल्टीप्लाइड विद 6.02 × 10⁻²³ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 0.512 × 6.02 × 10⁻²³। तो जब हम 0.512 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.08 × 10⁻²³। यहां तक हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर। नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास गिवन फार्मूला होता है उसकी हम ऑटो आयनाइजेशन करवाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है NaCl, NaCl की हम ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे तो हमें हासिल होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी NaCl के एक मोल में टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं वो कितने हैं, 1 सोडियम आयन है और 1 हमारे पास क्या है क्लोराइड आयन है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हमारे पास है 2 है। तो सोडियम आयन सबसे पहले हम अलग-अलग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ सोडियम आयंस, नंबर ऑफ सोडियम आयंस हम फाइंड करेंगे, सोडियम आयंस कितने हैं NaCl में 1 है तो 1 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 3.08 × 10⁻²³ वही आंसर आ जाएगा 3.08 × 10⁻²³ सोडियम आयंस आ गए। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयंस कितने हैं वो भी 1 है। तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस आर इक्वल टू 1 × 3.08 × 10⁻³ क्योंकि क्लोराइड आयंस भी सोडियम क्लोराइड में एक ही है। तो आप क्या करेंगे 1 को 3.08 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.08 × 10⁻³ क्लोराइड आयंस। अब आपने क्या किया आपने सोडियम आयंस भी फाइंड आउट कर लिए 3.08 × 10⁻³ और क्लोराइड आयंस भी फाइंड आउट कर लिए 3.08 × 10⁻³। अब अगर आप इनका सम अप करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करना चाहते हैं सोडियम और क्लोराइड के दरमियान तो आप क्या करेंगे सोडियम और क्लोराइड के टोटल नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन NaCl तो सोडियम आयंस कितने हैं आपके पास 3.08 × 10⁻³ प्लस आप कर देंगे क्लोराइड आयंस कितने हैं 3.08 × 10⁻³। तो आप क्या करेंगे इनको दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.16 × 10⁻³ आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ NaCl। इस तरह हमने रहता भी और दोनों के कलेक्टिवली नंबर ऑफ आयंस भी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ आयंस पर जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट अगर हमने करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फिर हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि नाइट्रिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स जो थे 5 थे 5 को हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए और न्यूमेरिकल नंबर 8 के अंदर हमने नंबर ऑफ आयंस जो है वो फाइंड आउट किए।